नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जी के भाई मटोरिया। और इस वीडियो में है आपके लिए करंट के अफेयर के क्वेश्चन, मई माह 2018 के मई के करंट के क्वेश्चन। और क्वेश्चनों की संख्या है 55, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने निकालने हैं 55, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये जो करंट के सब्जेक्ट है, करंट क्वेश्चन के, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक भी करें। और जिस भी सब्सक्राइबर ने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया ने किस बंदरगाह को आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो इंडोनेशिया ने किस बंदरगाह को आर्थिक और सैन्य इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान की है भारत को? तो वह ए सबांग, यानी इंडोनेशिया ने भारत को संबांग बंदरगाह को इस्तेमाल की मंजूरी दी है। और क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे, पाकिस्तान के पेशावर शहर में हाल ही में किस सिख नेता की हत्या कर दी गई है? तो वो किस सिख नेता के लिए, हम ऑप्शन देखेंगे, समरजीत, चरणजीत, अजीत पाल, समीर भुल्लर। तो ऑप्शन होगा सही बी, रणजीत सिंह। पेशावर के शहर पाकिस्तान के पेशावर शहर में इकलाब पुलिस थाने के कोहाट रोड पर सिख सामाजिक कार्यकर्ता व नेता चरण सिंह की हत्या कर दी गई है। और क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विभाजन के 4 वर्ष पश्चात अपने राज्य के चिन्हों की घोषणा की है? तो वह है, ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सही है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपने विभाजन के 4 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश के पर्यावरण, वन विभाग और विज्ञान तकनीक विभाग द्वारा राज्य के नए राज्य की चिन्हों की घोषणा की है। तो कौन से चिन्हों की घोषणा की गई है? वो है पर्यावरण, वन, विज्ञान और तकनीक विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शोधकर्ताओं ने किस मानव अंग के 3D प्रिंट के जरिए विकसित किए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन देखिए, कॉर्निया, मेरुरजू, अस्थि और मस्तिष्क। तो ऑप्शन सही है कॉर्निया। वैज्ञानिकों ने पहली बार 3D प्रिंटेड मानव आंख का कॉर्निया बनाया है। इससे नेत्रदान करने वालों की कमी दूर करने और दृष्टि बाधित लाखों लोगों को रोशनी लौटने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय और नेपाल के सैनिकों में आपसी सैन्य समन्वय स्थापित करने के लिए किस नाम से उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑप्शन है पराक्रम, ब्लैक पैंथर, सूर्य किरण, अश्वमेघ। तो ऑप्शन सही है सी, सूर्य किरण। भारतीय और नेपाल के सैनिकों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए भारत नेपाल संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास सूर्य किरण 13 का आयोजन किया गया, यानी 13 नंबर का आयोजन किया गया। वो आयोजन हुआ था 30 मई से 12 जून तक पिथौरागढ़ में किया जाएगा, यानी कहाँ किया जाएगा, ये 30 मई से स्टार्ट हुआ है और 12 जून तक चलेगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस हाई कोर्ट ने पानी की कमी का सामना कर रहे शिमला के 224 होटलों का पानी का कनेक्शन काटने का आदेश दिया है? तो किस हाई कोर्ट ने दिया है? वो दिया है, ऑप्शन देखें, हिमाचल प्रदेश कोर्ट, मध्य प्रदेश, दिल्ली या इनमें से किसी ने। तो हम देखेंगे वो दिया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने पानी की कमी का सामना करे शिमला 24 पानी का कनेक्शन काटने का आदेश दिया है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2018 को इंडोनेशियाई नागरिकों को भारत का कितने दिनों का वीजा मुफ्त में देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 25, 20, 30, 15। तो सही आंसर है 30 दिनों का मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
क्वेश्चन नंबर 9, किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को पछाड़ विश्व की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो वो कौन है? ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, HCL, इंफोसिस। तो आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 3 साल में पहली बार गूगल की प्रिंटेड कंपनी अल्फाबेट को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो वो है, ऑप्शन देखते हैं, 7.1, 7.3 और 6.3 और 6.9। तो आंसर सही होगा वो है 7.3 बी, उन्होंने 7.5 से घटाकर 7.3 का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और इंडोनेशिया बीच रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष, फार्मा, स्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में समेत कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो ऑप्शन देखेंगे, 15, 20, 22 या 25। तो आंसर सही है ए ऑप्शन, 15। भारत ने 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं इंडोनेशिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार बैंक धोखाधड़ी मामले मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत रोटोमेक कंपनी और उसके निर्देशकों को कितनी करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है? तो ऑप्शन देखेंगे, 100 करोड़, 120 करोड़, 110 करोड़ या 177 करोड़। तो ऑप्शन सही है 177 करोड़ डी। क्वेश्चन नंबर 13, देश में हाथियों को संरक्षण प्रदान करने और उनके आवाजाही का सुरक्षित मार्ग देने हेतु चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो ऑप्शन देखें, हाथी मेरा साथी, गज यात्रा, गज नंदन या सेव एलिफेंट। तो ऑप्शन देखेंगे बी है, गज यात्रा, वो सही है। गज यात्रा का उद्देश्य भारत में मौजूद हाथियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित मार्ग देना है। गज यात्रा के तहत भारत में 100 एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो ऑप्शन है, पंकज शरण, सुमित सुखिजा, पुष्पेंद्र वर्मा, संजय रॉय। तो आंसर होगा ए, पंकज सरोयन को। पंकज सरोयन को वरिष्ठ राजनयिक थे जिनको अब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस स्थान पर समुद्र के भीतर पर्वत श्रृंखलाएं व गहरी घाटियां खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई है, कनाडा, अंटार्कटिका, ग्रीन वैली या स्पेन में? तो आंसर होगा बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जमी बर्फ के नीचे छिपी पर्वत श्रृंखला और 3 गहरी घाटियों की खोज की गई है। यह खोज यूरोपीय स्पेस एजेंसी के पोलर गे प्रोजेक्ट के तहत हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, 16 नंबर, निम्नलिखित में से हाल ही में IPL 2018 जो अभी खत्म हुआ है उसमें अमेजिंग प्लेयर के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? वो देखेंगे, राशिद खान जो कि अफगानिस्तानी है, या एबी डिविलियर अफ्रीकी, विराट कोहली या ऋषभ पंत। तो ऑप्शन है उनमें सही होगा डी, ऋषभ पंत को। दिल्ली डेयर के जो विकेट कीपर हैं बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस साल के अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत के किस पर्वतीय क्षेत्र में पानी का भीषण संकट छाया हुआ है? तो वह नैनीताल, चंबा, शिमला, हरिद्वार। तो ऑप्शन होगा सी, सही, शिमला। शिमला में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा भीषण पानी का संकट है, जिसके तहत वहाँ के 224 होटलों के पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं, जो कि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें बता दिया है। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में है, अमेरिकी फाइनेंशियल मैगजीन ब्रेंस द्वारा प्रकाशित विश्व के शीर्षक 30 CEO की सूची में किस अकेले भारतीय का नाम शामिल है? तो देखेंगे, संजय सिंह, आदित्य पुरी,
विवेक गौतम या अविनाश त्रिपाठी। तो ऑप्शन सही है बी आदित्य पुरी, जो कि 30 की सूची में शामिल है, जो कि एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी ली आदित्य पुरी सॉरी, जो कि अकेले भारतीय इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को कार्यकाल खर्च के लिए प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने का फैसला किया है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को देने के लिए कितने लाख रुपए का फैसला किया। तो वह ऑप्शन देखेंगे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 7 लाख। तो ऑप्शन एक सही है, 1 लाख रुपए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के को कार्यकाल खर्च के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये देने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, भारत के किस देश के बीच 2003 में हुए सीज फायर समझौते की पूरी तरह लागू करने पर सहमति बनी है। ऑप्शन देखें जापान ए, नेपाल बी, सी पाकिस्तान या डी चीन। तो उत्तर है सी पाकिस्तान के साथ 2003 में हुए सीज फायर समझौते को लागू करने की सहमति बन गई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है भारत ने किस बैंक के साथ राजस्थान परियोजना के लिए 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो है विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो ऑप्शन ए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ राजस्थान परियोजना के लिए 21.7 मिलियन डॉलर ऋण का समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत ने किए भी। और अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 28 मई 2018 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है। तो देखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखेंगे ऑप्शन डी सही है, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको 28 मई को कोचीन ने हवाई अड्डे को दुनिया के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है। जो कि कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। और क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे अगला, निम्न में से राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती कुशहाल किसान परियोजना प्रारंभ की है, वो कहाँ की है, किस राज्य ने की है, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। तो की है सी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देववर्त की प्रेरणा व कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री सुभाष पालेकर के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई है। तो ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बजेंद्री पाल, शिवांगी पाठक या संगीता बहल। तो ऑप्शन सी सॉरी डी संगीता बहल सही होगा, जम्मू कश्मीर की उद्यमी और पूर्व मॉडल संगीता बहल 53 साल की उम्र में 28 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दो शरीफाओं की मदद से फतेह की है, यानी दो शरीफाओं की मदद से फतेह की है, और जो कि 53 साल की उम्र में उन्होंने की है, जो कि सबसे बुजुर्ग महिला है जिसके साथ ही ऐसे करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। अगला क्वेश्चन नंबर है 25, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग में अध्यापन कार्य में लगे हुए प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 कर दिया। तो वो किस राज्य सरकार ने की है, देखें झारखंड, तेलंगाना, पंजाब या कर्नाटक। तो आंसर होगा बी तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने राज्य विभाग स्वास्थ्य विभाग में आयु उनकी बढ़ाकर 58 से 65 वर्ष कर दी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, फिल्म पाकिजा में मशहूर हुई निम्न में से किस दिग्गज अभिनेत्री का मुंबई में निधन हो गया। तो मीना कुमारी, गीता कपूर, सीता कपूर या इनमें से कोई नहीं। तो वह है बी सीता कपूर। फिल्म पाकिजा की मशहूर अभिनेत्री गीता कपूर का निधन मुंबई में हुआ है और गीता कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने रक्षा बलों के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण खरीदने की स्वीकृति प्रदान किया है। तो 5500 करोड़,
69 सौ करोड़, 4500 करोड़ या 95 सौ करोड़, तो वो है 69 सौ करोड़। उन्होंने 69 सौ करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण की स्वीकृति प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ नियुक्त किया है? सुधा बालकृष्ण, राधा बालकृष्ण, राहुल सचदेवा। तो इसमें से आंसर होगा ए, सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्ण को पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है सीएफओ, पहली महिला भी बोल सकते हैं इनको, पहली महिला अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखें, चेन्नई सुपर किंग यानी आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में कितने मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, 10, 50, 300 या 150। तो आंसर सही होगा डी, 150 मैच। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह की कप्तानी में T20 क्रिकेट के 150 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। और ये भी बता दूं कि इस बार आईपीएल 2018 की चेन्नई सुपर किंग विजेता टीम रही थी और उपविजेता रही थी SRH यानी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो ऑप्शन ए, झारखंड सही होगा। नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2018 को झारखंड स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया था। वो उद्घाटन किया था 25 मई को, ये भी याद रखने वाली है कब उसका उद्घाटन हुआ, तो वो हुआ था 25 मई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? ए, नई दिल्ली भारत, हेमबर्ग जर्मनी, वॉशिंगटन अमेरिका, या जॉर्डन जो मिस्र में है। तो वो होगा बी, हेमबर्ग जर्मनी में, जो कि इसका प्रथम संस्करण है वो 25 से 28 सितंबर 2018 को जर्मनी में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्वच्छ भारत विज्ञापन अभियान को किस फिल्म अभिनेता द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन। तो आंसर होगा सी, अक्षय कुमार। विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्वच्छ भारत विज्ञापन को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा 27 मई को नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। इसको कहाँ लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में। और वो कब किया गया था? वो 27 मई को। तो अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर, भारत ने हाल ही में किस देश में अपना दूसरा आईटी कॉरिडोर बनाया? तो वो देखेंगे, ईरान, रूस, अफगानिस्तान या चीन। तो वो है चीन। चीन की बढ़ती हुई सॉफ्टवेयर मार्केट का लाभ लेने हेतु तो चीन में दूसरा आईटी कॉरिडोर प्रारंभ किया है भारत ने। अगला नौ क्वेश्चन है, 34 नंबर, भारत ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूस से किस मिसाइल रोधी प्रणाली की खरीद पर बातचीत प्रक्रिया पूरी की है? तो वो है, ऑप्शन है, सरमत 43, गोर्स को सेकेंड, S-400, SRS-4K। तो ऑप्शन देखेंगे, वो है सी, सही, S-400। भारत ने अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूस के साथ S-400 ट्रफ हवाई सुरक्षा प्रणाली की खरीद के लिए कीमत संबंधी बातचीत अभी पूरी की है। अगला क्वेश्चन देखें, 35 नंबर, कर्नाटक के किस नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक की सड़क हादसे में मौत हो गई है? रमेश कुमार, रोशन बेग, सिद्धू बी नामगोड़ा। तो ऑप्शन सी है, सिद्धू बी नामगोड़ा, ऑप्शन सही होगा। जो कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिनकी मौत हुई थी विधायक की, वो 69 वर्ष के थे। और अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर, आईपीएल 2011 में सर्वाधिक 37 छक्के लगाने वाले दिल्ली डेयरडेविल्स के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को अमेजिंग प्लेयर ऑफ द खिताब दिया गया था? वो है ऋषभ पंत को, बी ऋषभ पंत को। ये पहले भी ऑप्शन आया, अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया था? वो है ऋषभ पंत, जिन्होंने कि 37 छक्के लगाए थे इस सीजन में। अगला क्वेश्चन नंबर है, 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करने की एक अनूठी योजना काम कर रही है? वो कौन सी सरकार कर रही है? राज्य सरकार कर रही है, तेलंगाना, पंजाब, बिहार या झारखंड। तो वो है ए, तेलंगाना।
क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूली शिक्षा के समग्र विकास हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो वह ज्ञान शिक्षा का महत्व, समरम शिक्षा या समरम ज्ञान। तो ऑप्शन होगा सी, समरम शिक्षा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अभी जो है वो प्रकाश जावड़ेकर है। उन्होंने नई दिल्ली में पहली बार स्कूल पूर्व से उच्च माध्यमिक स्तर तक राज्य को समर्थन देते हुए स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना शुरू की है। उसका नाम है समरम शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस स्थान पर विश्व भारती विश्वविद्यालय के 49वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी वो कौन से रूम है? वो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या केरल या उत्तर प्रदेश। तो होगा वो बी, पश्चिमी बंगाल। जो कि शांति निकेतन में है। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली मेट्रो की फेज 3 के मजेंडा लाइन में किस स्थान पर देश का सबसे लंबा स्केलेटर लगाया जा रहा है? वो देखेंगे, ऑप्शन है जनकपुरी वेस्ट, हौज खास, ग्रेटर कैलाश, पालम ओएडा। तो वह जनकपुरी वेस्ट। नए जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर की ऊंचाई भारत में किसी भी एस्केलेटर की ऊंचाई से ज़्यादा है। इस एस्केलेटर की ऊंचाई 15.65 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची ऊंचाई है एस्केलेटर की। क्वेश्चन नंबर 41, देखेंगे निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन है वाई चेरापल्ली, के एस रमेश कुमार, दीपक दास, देवेंद्र सिंह पहरलिया। तो ऑप्शन होगा बी, के एस रमेश कुमार सही। सांसद व पूर्व मंत्री के एस रमेश कुमार आज कर्नाटक के विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने 100 अरब डॉलर के कलम में पहुंचने का इतिहास रच दिया है? वो कौन सी कंपनी है, भारतीय कंपनी? IBM, EY, TCS, HCL। तो ऑप्शन होगा सी, TCS। TCS यानी टाटा एक्सलेंटी सर्विसेज ने 100 अरब डॉलर में पहुंचने का कारनामा करने वाले शुक्रवार को एक नया इतिहास रच दिया है इस कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से कराए गए सर्वे से कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे गंदा पाया गया है? पटना, बलिया, बनारस या कानपुर का? तो वह है डी, कानपुर का। रेलवे स्टेशन करवाए गए इंटरप्राइज वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से कराए गए सर्वे से पता चला है कानपुर का सेंट्रल देश का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शिक्षा का स्तर सुधारने तथा तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाकर विद्यार्थी और शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? वो है ऑप्शन है सबके लिए शिक्षा, समरंग शिक्षा अभियान, उत्तम शिक्षा अभियान, प्रेरक शिक्षा अभियान। तो वो है बी, समरंग शिक्षा अभियान। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 मई को सरकार की महत्वाकांक्षी समरंग शिक्षा योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट की भारत यात्रा के दौरान 50 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ऑप्शन देखें ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो ऑप्शन होगा डी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, तो उन्होंने 50 समझौतों पर ये हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 46, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज को मंजूरी प्रदान की है? वो है ऑप्शन देखेंगे ओपन स्कूल पाठ्यक्रम, पत्राचार स्कूल, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, टेलीफोनिक कार्यक्रम। तो सी है ऑनलाइन पाठ्यक्रम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री, डिप्लोमा की मंजूरी, कोर्स की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2028 तक कौन सा शहर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? शंघाई, न्यूयॉर्क, पेंचई या दिल्ली? तो ऑप्शन होगा डी, दिल्ली सही। सन 2028 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होगा संभावना संयुक्त राष्ट्र की बुधवार की जारी हुई रिपोर्ट में जताई गई है। क्वेश्चन नंबर 48,
एशियन फिल्म महोत्सव 2018 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? वो है ऑप्शन देखिए, दिल्ली, क्योटो, जिनेवा, लैंसबर्ग। तो ऑप्शन होगा ये नई दिल्ली सही। ये नई दिल्ली के सारी फोर्ट संभाग में आयोजित किया जा रहे हैं। और क्वेश्चन है 49, हाल ही में किस संशोधन विधेयक द्वारा लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों को दिए गए पैसों की वापसी के मुद्दे पर राहत प्राप्त होगी? दिवालिया और दिवालियापन संशोधन अध्यादेश, या संपत्ति बकाया सुधार विधेयक, या भारतीय करदाता राहत संशोधन अध्यादेश, या अग्रिम राशि भुगतान संशोधन अध्यादेश? तो होगा ए दिवाला और दिवालियापन अध्यादेश। और इस अध्यादेश से प्रवर्तित होने पर आम लोगों को अधिकार और बड़ी राहत मिलेगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ मेक इन इंडिया के तहत 23 मई 2018 रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में विकास हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो देखेंगे एबीबी इंडिया, एचसीएल, आईबीएम, डेलोइट। तो वो है एबीबी इंडिया, ए ऑप्शन सही होगा। नीति आयोग ने इसके साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं रोबोटिक और आर्टिफिशियल के क्षेत्र में। और क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को दोबारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो है जस्टिस एपी शाह, जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, जस्टिस एल तमसम कबीर, जस्टिस टी एस ठाकुर। तो ऑप्शन होगा बी, जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? वो कौन सी राज्य ने किया है, बिहार, पंजाब, मणिपुर या कर्नाटक? तो वो है सी, मणिपुर राज्य ने यह अध्यादेश पारित किया है। क्वेश्चन नंबर देखें 53, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रबंधन व लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी स्वीकृति दी है? वो देखेंगे नेपाल, चीन, रूस या सिंगापुर? वो ऑप्शन सिंगापुर। ऑप्शन देखेंगे अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पाकिस्तान, नेपाल, डेनमार्क, इराक। तो ऑप्शन होगा डी सही, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और डेनमार्क के खाद्य सुरक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी प्रदान की है। तो वह है डेनमार्क ने डी। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 60 साल और उससे अधिक आयु के विशिष्ट नागरिकों को पेंशन प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो वो देखेंगे ऑप्शन है बी, ए बिहार, असम, झारखंड या पंजाब ने। तो वह है बी, असम ने। असम सरकार ने राज्य के 16 लाख वरिष्ठ नागरिकों जो इनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है पेंशन को देने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को जो इनकी उम्र 60 से उम्र से अधिक है उनको पेंशन देने की सेवा उपलब्ध करवाएगी। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल जीके भाई मटोरियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी यूज़र ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कराऊँ, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक और आखिरी बात, जिस भी यूज़र ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के कोई अलग से चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पर आपको जो वीडियो अपलोड कराऊँ ये भी बिल्कुल फ्री है। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।